हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडी हेडलाइट्स का रिव्यू करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन आज के वीडियो में अवेलेबल है। अगर आपकी बाइक की लो लाइट इशू है तो आपका इस वीडियो को देखने बाद ये इशू सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे सस्ती लाइट से। सो ये जो है एक मिनी लेंस प्रोजेक्टर टाइप की लाइट है। सो इसका कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो है आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। H4 सॉकेट के साथ मिलेगी, किसी भी टू व्हीलर के अंदर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छी खासी रोशनी इसके अंदर मिल जाती है। सामने की तरफ एक लेंस और एक रिंग इसके अंदर दी गई है। तो रिंग का जो कलर है इसमें ब्लू कलर आपको मिलेगा। H4 सॉकेट है, किसी भी व्हीकल के अंदर, किसी भी बाइक या स्कूटी के अंदर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो दोनों मोड इसमें काम करेगा। और साथ में इसके अंदर जो है दो कलर मिलते हैं, एक सफ़ेद कलर और पीला कलर, सफ़ेद हाई बीम पे और लो बीम पे पीला। सो गाइस, इंस्टॉलेशन में आपको हर एक बल्ब का आज के वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जितने भी लाइट होंगे सभी एलईडी होंगे और सभी के अंदर एक ही कॉमन बात है, आप किसी भी व्हीकल में अगर हेलोजन कंपनी का दिया हुआ हेलोजन बल्ब, जो पीली लाइट होती है, वो यूज़ कर रहे हो, तो इसमें कोई भी एलईडी इंस्टॉल करने से पहले एक बार डीसी कनेक्शन ज़रूर करवाएं। और ये काम किसी प्रोफेशनल मैकेनिक के थ्रू ही करवाएं, खुद ना करें, क्योंकि इसमें बहुत से चांसेस होते हैं वायरिंग ख़राब होने के। तो मेरी बाइक में ऑलरेडी डीसी कनेक्शन हो रखा है, तो मैंने सीधा जो है बल्ब को रिप्लेस कर दिया है। तो कुछ इस तरह का इसका रिंग मोड है और साथ में येलो बीम भी अभी चालू है। तो यहाँ पर मैं आपको नाइट का शॉट भी दिखाऊँगा, किस तरह की रोशनी, इसकी रोड वे परफॉर्मेंस। सो डे टाइम में आप देख सकते हैं इतना इसका पावर है, और नाइट में आप ये शूट देख लीजिए येलो कलर की इसकी लाइट की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और रिंग का ब्लू कलर का लाइट भी अच्छे से रोड पे दिख रहे हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो बल्ब आता है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट काफ़ी लो है। 500 रुपये से नीचे अगर आपका बजट है तो आप इस प्रोजेक्टर को ज़रूर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रोशनी है वो रोड पर बहुत ही शानदार है। सो ये भी H4 सॉकेट के साथ मिलेगा, LED बल्ब है। सामने की तरफ एक मिनी लेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसके अंदर भी वही सेम कंसेप्ट है, हाई बीम पे आपको वाइट मिलेगा, लो बीम पे पीला कलर मिलेगा। सो गाइज, ये जो है इसका रोड परफॉर्मेंस है वाइट एंड येलो कलर की लाइट का। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो HJG ब्रांड का जो एक बल्ब आता है, तो ये भी लेंस का ही कंसेप्ट है, लेकिन ये जो बल्ब है थोड़ा पावरफुल हो जाता है। सो एक्चुअल में ये 45 वोट का बल्ब है, जिसकी हाई बीम जो है 30 वोट की मिलती है, जो वाइट कलर होगा, और लो बीम इसकी जो है येलो कलर में वो 15 वोट की होगी। लेकिन ये जो वोल्टेज डिफरेंस है ये लगभग सेम ही रहते हैं, इसके अंदर जो है वोल्टेज बिल्कुल सेम ही रहेगा दोनों बीम पे। तो तीन वायर कनेक्शन है और इसके अंदर आपको H4 कपलर नहीं मिलता, आप किसी भी व्हीकल या किसी भी फोर व्हीलर की फोग लाइट में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो कनेक्शन और सारी डिटेल्स आपको जो है कोई भी मैकेनिक करके दे सकता है। सो पीछे की तरफ फैन मिलता है, अच्छा खासा जो है कूलेंट जो है इसमें काम करता है। तो लाइफ के रिगार्डिंग इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है, बहुत ही अच्छी जो है कंपनी है HJG। तो उसके अंदर इस तरह का मटेरियल अगर आप लेते हो तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो पीछे की तरफ पंखा इसीलिए दिया जाता है ताकि ये ठंडा रहे, और अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो तो जल्दी से ख़राब ना हो। सो गाइस, इस बल्ब की एक और बात है, इसका लो बीम जो है वो वाइट एंड येलो दोनों एक साथ काम करेगा। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ, हाई बीम करोगे तो वाइट कलर इसमें कुछ इस तरह का परफॉर्म करेगा, और जैसे ही आप इसका लो बीम स्टार्ट करोगे येलो कलर ऑन हो जाएगा, हाई बीम भी उसके साथ ही चलेगा। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है। नेक्स्ट हमारे पास HJG का ही एक और मॉडल आ जाता है। तो ये जो मॉडल है ये लगभग एक मिनी प्रोजेक्टर आप इसको बोल सकते हो। तो कुछ इस तरह की इसकी बॉडी है, H4 कपलर और एक अडाप्टर के साथ ये जो है आता है। ऊपर जो है HJG की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, और यहाँ पे वोल्टेज मेंशन है 20-20 वोल्ट की जो है इसकी बीम्स है, टोटल 40 वोल्ट का ये बल्ब है। सो पीछे की तरफ जो है सेम वही फैन दिया गया है, तो फैन का यही बेनिफिट है, लाइटें जल्दी से उड़ती नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में जितनी भी लाइटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप घर बैठे कोई भी डिलीवरी मंगवा सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो H4 सॉकेट है, मतलब आप किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर के अंदर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये इसका जो है लो बीम है, मैं आपको थोड़ा एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी दूर तक इसकी रोशनी जाती है, और ये इसका लो बीम एंड हाई बीम वाइट आपने देखा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी सेम कंसेप्ट में CYT कंपनी के अंदर एक मॉडल आता है V4। तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने मुझसे ये ऑलरेडी परचेज भी किया होगा। सो अगर आपने किया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो है वन ऑफ द बेस्ट LED हेडलाइट प्रोजेक्टर है, सबसे ज़्यादा इसी को जो है सेल होता है ये,
और इसकी जो रोड विजिबिलिटी है वो बहुत ही शानदार है। आज के वीडियो में आई थिंक इसकी ही रोशनी सबसे ज़्यादा है, इवन मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। तो इसके अंदर आपको लाइफ के रिगार्डिंग और रोड विजिबिलिटी तो मैं आपको वीडियो में दिखाई दूंगा, कोई भी कंप्लेन नहीं किसी भी तरह की। और इसके अंदर भी आपको जो है H4 सॉकेट मिलेगा, किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में लगा सकते हो, इवन बाइक स्कूटी या किसी भी गाड़ी में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो यहाँ देख लीजिए, इसको बोलते हैं शानदार लाइट्स। हो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको लो बीम पे सेट किया हुआ है, तो मैंने लाइट को थोड़ा एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग किया हुआ है क्योंकि मेरे को जो है येलो लाइट यूज़ करनी होती है। और हाई बीम इसका थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा ऊपर की तरफ एडजस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास CYT कंपनी का ही मॉडल आता है जो कि V4 से नेक्स्ट मॉडल आता है। तो ये है CYT F3 और इसका जो है 50 वोल्ट का जो है आउटपुट है। सो दोनों का पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। डिफरेंस लगभग जो है विजिबिलिटी का खेल है सारा, रोशनी इसकी तेज है V4 से। और यहाँ पर मेन जो कंसेप्ट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेंस दिया गया है V4 से थोड़ा बड़ा मिलेगा और इसी का बेनिफिट है कि इसकी रोशनी थोड़ा और दूर तक जाएगी और अच्छी विजिबिलिटी रहेगी क्योंकि इसके अंदर 40 नहीं 50 वोल्ट का चिप लगा हुआ है और इसका थोड़ा दूर तक रोशनी जाएगा, ये भी क्लियर है। सो गाइस, आज की वीडियो में दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इनमें से कोई भी बल्ब परचेज करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है चेक कर लेना। सो यहाँ पे जो है मैंने इसको प्रॉपर जो है सेट किया हुआ है, तो ये पोजीशन आप V4 में भी कर सकते हो। सो दोनों का आपने जो है विजिबिलिटी देख लिया किस तरह। सो गाइस, इन दोनों में से ही सबसे अच्छी जो है लाइट आज के वीडियो में आप मान सकते हो CYT का V4 और F3 मॉडल जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप में से इनमें से कोई भी LED हेडलाइट आपको परचेज करना है तो आपको करना क्या है, सीधा वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेना है बल्ब का और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर देना है। ऑल ओवर इंडिया जो है हम कोरियर के थ्रू होम डिलीवरी अवेलेबल रखते हैं और आपको प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी दोनों सर्विस मिलेगी, तो वो इंक्वायरी आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।